विक्टिम नंबर 9 के जो मिस्टर चौधरी, उनके ऊपर अभी कैमरा है। और पोकर हमें ने सिम्बा वॉरियर को नॉक कर दिया। बस कारल यहाँ पर फाइट करते हैं फार्म के यहाँ पर के दिन का जामा। और यहाँ पे माफिया का जो हेल्थ है उनका बहुत ही कम डैमेज में। और यहाँ पे गाड़ी फोड़ दिया है, यस इन्होंने गाड़ी फोड़ दिया है जिनका जामा के पास जो शॉर्ट गन है S1897 का। और यहाँ पर डीजीटी क्लैन आज ने ओके मैड अंकुश ने नॉक कर दिया लूसीफर सोल को बाय बैरल। यहाँ पर कामिश्की में फाइट चलते हुए लूसीफर सोल जो नॉक हुए पड़े हैं यहाँ पर इमीडिएट रिवाइव दे देना चाहिए। और टीम नंबर 13 जो रश इन करते हुए अंदर टीम नंबर 22 के ऊपर। मीनवाइल अली ने नॉक कर दिया रिप अवी को यहाँ पर कंपाउंड्स के यहाँ पर जो एंड के यहाँ पर। और रिप अवी को ख़त्म कर दिया अली ने, अली ने ख़त्म कर दिया है पूरी रिप अवी को। ओके सॉरी यहाँ पर ओके शील्ड मोड इज ऑफ नाउ। और मैन अंकुश ने नॉक कर दिया है नेड से मैट ब्लक्स को। और टीम नंबर 15 के 14 के यहाँ पर उन्होंने स्पॉट करके रखा है टीम नंबर 14 को। अब सही है क्या स्ट्रीम, प्लीज बता देना एक बार चैट में। और यहाँ पर डीजीटी क्लैन ने जो ड्रॉप लोकेशन चेंज करके जॉर्जो सिटी आज गए हैं। 4 दिन से 4 कस्टम हुए उन्होंने पोलियाना पे ड्रॉप लोकेशन थे और आज उन्होंने चेंज कर दिया है जॉर्जो सिटी के यहाँ पर। कि यहाँ पर टीम नंबर 16 और टीम नंबर 3 जो टीम नंबर 16 है जो रुक के यहाँ पर वहाँ पर वेट करते हुए मैक बॉर्ड यहाँ पर। और यहाँ पर मैडम कुश ने लूसीफर सोल को ख़त्म कर दिया है कामिश्की के यहाँ पर, यस लूसीफर को ख़त्म कर दिया। और वहाँ पर मीनवाइल थ्री मैन अलाइव है अभी भी। लूसीफर सोल को बहुत अर्ली एग्जिट करना पड़ा इनके टीम से टीम नंबर 22 के यहाँ से। और एफएस जो है वो फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं बट उन्होंने शॉर्ट्स पड़ रहे बाय मैड की टीम से शॉर्ट्स पड़ रहे उन्होंने। शायद यहाँ पर उनकी टीम फॉल बैक कर रही है जो टीम नंबर 22 के एफएस फ्लेम जो ऑलरेडी फॉल बैक कर चुके हैं और वर्षा भी उनके साथ है। बस हडे को उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा फॉल बैक करने को पीछे से। ओके यहाँ पर टीम नंबर 16 और टीम नंबर 3 का फाइट हो सकता है स्ट्रॉम के वर्सेस डीजीटी। और डीजी यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा ही इंटेंस होगा कि क्योंकि डीजीटी के ऊपर बैट लग चुका है। डीजीटी को जो भी मारेगा उनको 100 रुपीज़ का पेटीएम मिलेगा बाय आदित्य जेडन के ऊपर से। ओके आज देखते हैं डीजीटी को कौन मारता है। और यहाँ पर पेटीएम जो सुनहरा मौका है आज पेटीएम जीतने का और कौन लेके जाएगा आज टीम नंबर 25। ओके टीम नंबर 25 के यहाँ पर स्पॉट करते हैं। और यहाँ पे मिलिट्री बेस पे फाइट हो गया टीम नंबर 23 और टीम नंबर 19 के यहाँ पर। और टीम नंबर 23 के जो उजी है यहाँ पर उजी से देख रहे हैं यहाँ पर द प्रोटेक्टर टीम नंबर 19 के ऊपर। टीम नंबर 25 जो जिन कजामा जो फार्म के यहाँ पर है जिन कजामा इमरान और माफिया और इमरान के ऊपर भी आज कुछ शायद बैट लगा हुआ है। और यहाँ पर टीम नंबर 15 के यहाँ पर जो अली ने नॉक कर दिया डीजीटी रिशु को व्हाट टीम नंबर 14 के अली ने डीजीटी को नॉक कर दिया। एक्सपेक्टेड ग्लिच है क्योंकि अली यहाँ पर है फार्म के यहाँ पर और वो वहाँ पर कोई नहीं प्रॉब्लम। और फ्रोश नॉक हो गए है और मैड नाडिर का हेल्थ 20 HP पे और फर्स्ट एड पॉपअप कर दिया। और बारबी वहाँ से 15 नंबर के वहाँ रशिंग करते हुए उस साइड से और मोरावा ने नॉक कर दिया हाइडर नाइट को M4। और बारबी जो रशिंग करते हुए और वो नॉक हो गई वहाँ पर। अब ब्रेजिंग ने नॉक कर दिया है टीम नंबर 14 के जो अली है वो जो रशिंग करते हुए बारबी को ख़त्म कर सकते हैं और बारबी ख़त्म हो जाएगी बाय HP के यहाँ से। और मैड नाडिर ने बारबी को नॉक करके ख़त्म कर दिया और फ्रोस्ट को रिवाइव मिल जाना चाहिए। और जतिन ने पोकर की क्लैन को पूरा ख़त्म कर दिया पोकर की क्लैन को पूरा ख़त्म कर दिया यहाँ पर। ओके यहाँ पर जोन बनते हुए पोचिंकी रोजॉक और जॉर्जो के साइड पर
टीम नंबर 14 के जो फ्रोस्ट है वो बैंडेज पॉप अप करते हुए, और गॉड है के जो टीम नंबर 7 के जो अकेले बंदे वो स्कूल के कंपाउंड के यहाँ पर लूट करते हुए जोन के अंदर है, और आरडीएक्सन जो सिंपल बॉय ओके सिंपल बॉय और रेडक्स ओके यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक और क्लैन है। यस 12 और 17 यहाँ पर 17 और 12 के यहाँ बीच में फाइट देखने जल्दी मिल जाएगी। ओके 17 को पता है यहाँ पर एक स्क्वाड है, बट उनको पता नहीं कि उनके लेफ्ट में है इमरान मेवटे पे 200 का बैट है। ओके यस हाँ इमरान मेवटे के 200 का बैट है यहाँ पर। ओके टीम नंबर 3 के वहाँ पे जाते हैं जो डीजी के क्लैन के यहाँ पर जो फर्स्ट ड्रॉप आते हुए यहाँ के ड्रॉप पे है। ओके एयूजी विथ लेवल 3 गैस विथ एक सप्रेसर स्नाइपर का वहाँ पर है, कौन लूट सकता है यहाँ पर? टीम नंबर 3 शायद यहाँ पर लूट सकते हैं, टीम नंबर 3 और टीम नंबर 16 के बीच में और टीम नंबर 20 के बीच में, और शायद टीम नंबर 20 यहाँ पर ड्रॉप लूटने आ सकती है। यस टीम नंबर 20 के जो गजेंद्र है वहाँ पे उन लोग ने देख लिया है, मुंबईकर ने देख चुका है यहाँ पर एक ड्रॉप गिरे हुए, शायद लूटने जा सकते हैं टीम नंबर 20 यहाँ पर। टीम नंबर 20 पे चलते हैं एम टैंक गेमर अपना और मुंबई कर, और यहाँ पर रुकिन ने नॉक कर दिया फ्रोस्ट को वहाँ पे जो कंपाउंड है वहाँ पर, रुकिन जो लास्ट बंदे अलाइव है जो 15 नंबर के। ओके अली को भी शायद स्पॉट इन कर दिया, और अली अरे और यहाँ पे उजी रिलोड हो गई है उनकी, शायद अभी तक स्पॉट इन नहीं हुए है, वहाँ नॉक पड़े टीम नंबर 14 के, और यहाँ पे 15 नंबर के जो फायर के बंदे हैं धीरे धीरे बैक फॉल बैक कर रहे हैं धीरे धीरे, और मैड नाडियर को शायद स्पॉट कर लिए हैं, नहीं अब तो अली लेफ्ट से रोटेट कर रहे हैं और फायर की स्पॉट चेक कर रहे फायर कहाँ पर है, और नाडियर ने शायद देख चुका है स्पॉट कर चुका है फायर नॉक, और यहाँ पे नाडियर के ऊपर शॉट जाते हुए उसी का विदाउट एक्सटेंडेड। ओके मीनवाइल नाइट अली को नॉक कर दिया, और यहाँ पर कवर फायर आके मैड नाडियर ने उनको ख़त्म कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जॉर्जो सिटी के यहाँ पे फाइट चलते हुए फायर रुकिन ने ख़त्म कर दिया है फ्रोस्ट की टीम को। ओके कैप्टन डक्स ने सिंपल बॉय को नॉक कर दिया भाई यूएमपी 45 यहाँ पर आरडीएक्स ने वाइपर को नॉक कर दिया, और ओके विलन और सिंपल बॉय दोनों नॉक पड़े ऋतिक रिडक्शन, और ऋतिक जो लास्ट बंदे अलाइव है इनके शायद रिडक्शन रिवाइव दे देंगे विलन को। ओके विलन को इमीजिएट रिवाइव दे रहे ऋतिक सिंपल बॉय पर रिवाइव दे रहे। ओके यहाँ पर टीम नंबर 17 ने जो स्पॉट कर दिया टीम नंबर 12 को जो कैप्टन रक्स की टीम है स्पॉट कर चुके हैं, और टीम नंबर जो 16 और 3 के यहाँ पे फाइट होने वाला था, और टीम नंबर 16 ने वहाँ से फॉल बैक कर दिया है। टीम नंबर 13 के जो अलाइव है जो वो जॉर्जो के पीछे साइड उतरे हैं, और यहाँ पर सेकंड ड्रॉप आया है वहाँ पर रूइंस पे, उसके अंदर है M249 विथ लेवल 3 गैस। ओके यहाँ पर थर्ड एयर ड्रॉप जो जिस टीम ने मंगाया है एम्प्टी है। ओके यहाँ पर लूट चुका है टीम नंबर शायद गुड बॉय की क्लैन ने। ओके यहाँ पर नेट प्रॉब्लम है शायद। ओके बताना मेरा स्ट्रीम सही चल रहा है, हेलो आवाज सही आ रहा है या नहीं एक बार बता देना। और बिलाल रहमान की टीम ने डेथ मशीन को नॉक कर दिया यहाँ पर। ओके मास्टर खलीश ने रेहल खान को नॉक कर दिया है। ओके उन्हें ओपन में आ रहे फिर रशिन हो गया टीम नंबर टू पे यहाँ पर रशिन हो गया सोहेल के क्लैन, और सोहेल के क्लैन पूरी खत्म कर दिया नाइट्रो विक्की ने सोहेल को पूरा खत्म कर दिया। मास्टर खलीश ने नॉक कर दिया है मास्टर खलीश ने, और ओके जो शदाब की टीम है वो मास्टर खलीश ने 3 किल निकाल चुका है, और नाइट्रो विक्की का 1 किल, बिलाल रहमान का 1 किल और लूसीफर का 1 किल। यहाँ पर शदाब ओपी की भी एक यहाँ पर चैलेंज है शदाब ओपी की टीम जो मास्टर खलीश आज रिप्लेस हो गए यहाँ पर इनके टीम पे, कि आज इन्होंने इमरान को
टीम एलिमिनेट कर दिया, इफ इमरान की टीम को इन्होंने मार दिया शदाब ओपी की टीम को, तो उनके ऊपर 200 रुपये का पेटीएम मिलेगी शदाब ओपी के। और नाइट्रो विशु ने ऋतिक को नॉक कर दिया है, रिडक्शन जो ऋतिक है बहुत ही ब्लीड आउट हो रहे हैं, और सिंपल बॉय को नॉक कर दिया कार 98 से। रिडक्शन ऋतिक को पूरा रिवाइव दे देंगे इमीजिएट, और सिंपल बॉय भी नॉक हो गए वहां पर, और नेर आ रहे वहां पर। ओके टीम नंबर 6 के यहाँ पर फाइट चल रही है, आरिश डेविल मयंक आसुर। ओके विशु ने विलन को नॉक करके खत्म कर दिया है। ओके फ्लेम वर्षा और यहाँ पर फाइट के टीम नंबर 25 पे हम जा रहे हैं जिन कजामा, और टीम नंबर 17 के जो ऋतिक और बीटीएस को नॉक कर दिया है, कैप्टन दक्ष ने ऋतिक को नॉक कर दिया, और कैप्टन जो ऋतिक की टीम है जो रिडक्शन की टीम है वो खत्म हो गया भाई, विशु खत्म हो चुके टीम नंबर 12 के हिसाब से। और टीम नंबर 16 यहाँ पर रशिंग करते हुए पुचिंकी के अंदर जो जॉर्जो सिटी के यहाँ पर उतरे थे डिजिटी के साथ, बट यहाँ पर उन्होंने फॉल बैक करके यहाँ पर पुचिंग के साइड में जो हाई रिज है वहाँ आ गए। और टीम नंबर 25 के यहाँ पे जाते हुए माफिया जो यहाँ पर कैंप करके होल्ड कर रही है जोन के अंदर। ओके यहाँ पर टीम नंबर 16, टीम नंबर 12, टीम नंबर 10 और टीम नंबर 5 जो क्लोज इन होते हुए, और यहाँ पर एक और ड्रॉप आ गई है, यहाँ पर एक और ड्रॉप आ गई है, और टीम नंबर 10 के जो गुड बॉय बैड बॉय है वो यहाँ पर लूट कर चुके हैं, और यहाँ पर लूट करके निकल जाएंगे यूएजेड से। और टीम नंबर 6 के यहाँ पे फाइट हो सकती है, आरिश के पास जो पीपी वाइजन है 30 लोड के साथ, और टीम नंबर 6 ओके यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा है, बहुत ही घटिया नेट चल रहा है पता नहीं क्यों। टीम नंबर 3 और टीम नंबर 13 बहुत क्लोज इन हो सकती है जो डिजिटी क्लैन के, और डिजिटी क्लैन आज ज़रा सा सेफ खेल रही है। टीम नंबर 25 को दिखाओ, ओके टीम नंबर 25 को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लो जिन कजामा और ओके यहाँ पर टीम नंबर 25 के जो इमरान है, यहाँ पर माफिया है, यहाँ पर जिन कजामा है। ओके आपने दिखा दिया है, यहाँ पर जोन के अंदर है वहाँ पर उन्होंने होल्ड कर रहे हैं। टीम नंबर 6 के यहाँ पे फाइट हो सकती है आरिश के यहाँ पर टीम नंबर 9 के साथ, और यहाँ पर डीजीटी की क्लैन रोटेट कर रही है जोन के अंदर, बीच में उनका जोन शायद काट सकता है टीम नंबर 22, और यहाँ पर शॉर्ट्स पड़ रही टीम नंबर 9 से टीम नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पर टीम नंबर 6 जो शॉर्ट्स ले टीम नंबर 9 के यहाँ पे अपार्ट्स पे 28, टीम नंबर 6 के जो असुर है डीपी 28 से टैप टैप मार रहे हैं टीम नंबर 9 को। डेविल मयंक जो गाड़ी लेके निकलना चाहती है, यहाँ पर सभी लोग जोन में आ चुके हैं, और यहाँ पर टीम नंबर 1 के जो रिस्क है जो अकेले बंदे जो फेरी पायर में होल्ड कर, और मीनवाइल यहाँ पे नाइट्रो विकी ने एल को नॉक कर दिया है। ओके बिलाल रहमान ने आकिब खान को नॉक कर दिया है, और डीजीटी मैकबॉट ने एम टैंक को नॉक कर दिया है। यहाँ पर वहाँ पे गजेंद्र को नॉक कर दिया है, मुंबई का जो लास्ट बंदे अपना भी नॉक हो गया, और डीजीटी क्लैन ने एम टैंक को ख़त्म कर दिया है शायद, यस लास्ट बंदे जो अपना अलाइव है वहाँ पर डीजीटी क्लैन ओके गजेंद्र को नॉक करके ख़त्म कर दिया, यहाँ पर लास्ट बंदे हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पे 3 किल्स हो चुका है, स्मोक्स आ चुका है लूटने के लिए। ओके यहाँ पर गुड बॉय बैड बॉय बाहर है जोन के, और पे यहाँ पर टीम नंबर 5 के यहाँ पर फाइट हो सकती है, लूसीफर की क्लैन है जो लूसीफर टीम नंबर 24 हम दिखा देंगे, टीम नंबर 34 जो आई एम जेडन यहाँ पर है कबीर सिंह। ओके उन्हें रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर
जोन के अंदर, और टीम नंबर 14 के यहाँ पर फाइट होते हुए, टीम नंबर 5 के यहाँ पर भी लूसीफर की टीम है जो, सॉरी लूसीफर और शराबोपी की टीम है जो टीम किल्स 6 निकाल चुके हैं अब तक। जोन में अब तक टीम नंबर 12, 11, 7 और 18 और टीम नंबर 16 और टीम नंबर 24 जो जोन के बाहर से अंदर आते हुए, और टीम नंबर 25 भी जो इमरान है वो अकेले शायद बग्गी के यहाँ से आ रहे हैं। और गुड बॉय ने नॉक कर दिया आकर्ष को, आकर्ष को नॉक कर दिया यहाँ पर। आवाज कम हो गया। और स्टॉर्म आरडीएक्स ने कैप्टन डक्ष को गाड़ी से नॉक कर दिया। लावल प्रिंस ने बैड बॉय को नॉक कर दिया है। यहाँ पर पोचिंकी में बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रहे हैं। यहाँ पर एयर ड्रॉप आते हुए फिफ्थ एयर ड्रॉप के टीम नंबर 11 जो अक्ष को नॉक कर दिया था वो रिवाइव हो गए और शायद फर्स्ट एड पॉपअप करेंगे, और हेलमेट उनका टूट चुका है अब तक। बैंडेज मार रहे हैं और डीजीटी की क्लैन जो लेफ्ट के रूइंस के साइड से आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर टीम नंबर 23 जो शुगर बिल्डिंग में, यस शुगर बिल्डिंग के यहाँ पर है, और लॉयल प्रिंस ने बैड बॉय को नॉक कर दिया है टीम नंबर 11 पे जाते हुए। ओके बीटीएस ने नॉक कर दिया एलएनएल को टीम नंबर 6 के आरिश। असुर ने स्टेटस को नॉक कर दिया। देवल मायंस ने एकेएम से जेडन को नॉक कर दिया। और यहाँ पर आरिश नॉक हो गए। ओके कबीर सिंह ने नॉक कर दिया कोरियन प्लेयर को। ओके कबीर सिंह ने देवल मायंस को भी नॉक कर दिया। और लास्ट बंदे अलाइव है जो असुर, जो असुर जो शैक के अंदर है, और डेविल दीपो को शायद इमीडिएट रिवाइव दे देंगे। इमीडिएट रिवाइव दे देना चाहिए। और असुर शायद नेट्स आ जाएंगे, और नेट्स आ रहे हैं। और नाइट्रोक्स विशु ने एक शेडी को नॉक कर खत्म कर दिया। और यहाँ पे हील डैमेज देते हुए नेड। ओके टीम नंबर 24 को लफंडर ने नॉक कर दिया असुर को भी। तो लास्ट में नलाय में डीपो और उसने ख़त्म कर दिया लफंडर, लफंडर की टीम ने जो कबीर सिंह की टीम ने ख़त्म कर दिया आरिश की टीम को। ओके और हम जाते दूसरे के फाइट के हैं। और पूरा जोन यहाँ पे पोचिंग की साइड पे और एक शुगर बिल्डिंग के साइड पे बना है। पोचिंग के बीच में शायद ये वाला जोन पोचिंग के मिडल में ही लगेगा। यहाँ लूसीफर नाइट्रो विक्की और शराब ओपी ने, शराब ओपी की टीम, सॉरी शराब ओपी की टीम यहाँ पर होल्ड कर दिए यहाँ पर पोचिंग के कंपाउंड के तरफ से। और गुड बॉय ने नॉक कर दिया लॉयल प्रिंस के बाय AWM, यहाँ पर AWM से नॉक कर दिया है टीम नंबर 9 22 के यहाँ पर। यहाँ पे गुड एक AK ने आकर्ष को नॉक कर दिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा ही लोग अलाइव है, 46 अलाइव है अभी इस इतने से जोन के अंदर। सो बहुत सारी टीम शायद जोन रोटेशन के टाइम पे जोन से मर सकती है। और यहाँ पर टीम नंबर 25 और यहाँ, यस यहाँ पोचिंग के मिडल में ही लगा है। और गॉड AK ने लॉयल अनिकेत को नॉक कर दिया बाय AKM। और यहाँ पे मैड नाटेड ने अपना अपना को जो लास्ट बंदे थे अपना वो खत्म कर दिए। और यहाँ पर जोन फेवर करते हुए टीम नंबर 25 का। पर यहाँ पर DBS आया विथ लेवल 3 गैर्स जो सिक्स ड्रॉप है। यस टीम नंबर 22 जो रोटेट कर रही है अंदर। अब तक जोन के बाहर द नंबर 1 की टीम जो रिस्क के जो अकेले बंदे वो बाहर है। टीम नंबर 3, टीम नंबर 14, यस टीम नंबर 3 के जो क्लैन DGT शायद वो अंदर आना चाहती है। यहाँ पर टीम नंबर 4 के यहाँ पर फाइट चल रही है। और टीम नंबर 25 जो होल्ड करके रखी है जीन कजामा की। और यहाँ पर टीम नंबर 23 वहाँ पे UAZ लेके अंदर आ गई। और टीम नंबर 22 लेफ्ट में, टीम नंबर 25 जो राइट में। ओके यहाँ पे हम व्यू बता देते हैं। टीम नंबर 25 यहाँ पर है, यहाँ पर टीम नंबर 23 है, और यहाँ पर टीम नंबर 22 है जो, और यहाँ पर आगे ठीक उनके सामने टीम, उनके सामने टीम नंबर 12। और यहाँ पर कबीर सिंह ने नॉक कर दिया है, गुड बॉय ने नॉक कर दिया वैभव को डिबाइल डिपी 28। यहाँ पर फाइट चलते हुए टीम नंबर 19, टीम नंबर 24 और टीम नंबर 12 यहाँ पर है। टीम नंबर 10 के जो अकेले बंदे जो गुड बॉय है वहाँ पर AWM लेकर स्नाइप कर रहे हैं और थर्ड पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पे फ्लेयर चलाया कोइन तो ओके टीम नंबर 24 जो 11 के प्रतीक से वो जो स्क्वाडा उसके जो पीछे एक कंपाउंड है वहाँ पर है, वहाँ पर होल्ड करके रखे कि टीम नंबर 24 के यहाँ पे आ जाते हैं और लॉयल आनी के इतने नॉक कर दिया पे पीपी बाईजन गॉड एक्शन। और यहाँ पर गुड बॉय जो अकेले टीम के वो AWM से नॉक करके ख़त्म कर दिया यहाँ पर लॉर्ड को। यहाँ पे गुड बॉय के यहाँ पर चलते हैं जो गुड बॉय के अकेले जो प्लेयर टीम नंबर 3 के, और यहाँ पर स्पार्क बॉट ने मिस्टर चौधरी को ख़त्म करके और ओके ब्रिजिंग को भी नॉक कर दिया और जतिन को ख़त्म कर दिए। ओके, उन्होंने टीम पूरा ख़त्म कर दी DGT क्लैन ने। और यहाँ पर गुड बॉय को शॉर्ट्स पड़ रहे हैं बाय ओके DGT क्लैन को, गुड बॉय ख़त्म हो गए यहाँ पर DX आमू के तरफ से। ओके, यहाँ पे DGT के क्लैन के यहाँ पे चलते हैं कि DGT क्लैन के यहाँ पर ओके फ्रीज हो गया क्या गेम, शायद यस गेम फ्रीज हो गया मेरा। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम देता है जब बंदे अलाइव हो गया लास्ट के सेकंड लास्ट जोन में, इतने बंदे अलाइव होंगे तो गेम फ्रीज करता है कभी कभी। ये रूम का ग्लिच है, ये मेरा मोबाइल का नहीं है, ये पबजी मोबाइल के ग्लिच है। ओके, यहाँ पे स्ट्रीम चालू है कि नहीं एक बार बता देना मुझे, बहुत जल्दी टेलीकास्ट कर लेंगे यार, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है आजकल। बहुत सी फाइट मिस हो जाएगी शायद, इंटर मैच अगेन। तक स्टार्ट नहीं हुई, लोड नहीं हो रही अब तक, क्या गेम ऑन होगा? पता नहीं DGT क्लैन को कौन मार रहा होगा यार, DGT क्लैन जीत जाएगी, स्पेक्टेट में आज शायद मैं ही हूँ अकेला। लोड अब तक हुई नहीं है गेम। ओके, लोड हो चुके हैं। मास्टर कलिश ने DGT कैंडी को नॉक कर दिया और DGT स्पार्क बोट को मास्टर कलिश ने नॉक कर दिया। नाइट्रो विकी ने स्पार्क बोट को नॉक कर दिया और मैक बोट ने नाइट्रो विकी को नॉक कर दिया और लूसीफर ने स्पार्क बोट को नॉक कर दिया और DGT क्लैन खत्म। और शादाब ओपी ने टीम की खत्म कर दिया DGT क्लैन को। ओके, यहाँ पर शायद यस 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 लफंडर ने नॉक कर दिया इमरान को और लफंडर ने माफिया को नॉक कर दिया। और ओके, लफंडर की क्लैन के शायद लास्ट बंदे अलाइव है इमरान के और FS ने मैट प्रेक्स को नॉक कर दिया। ओके, कबीर सिंह ने माफिया को नॉक कर दिया, जिन का जामा ने लफंडर को नॉक कर दिया। और यहाँ पे बिलाल रहमान की जो शदाब ओपी की टीम है वो 100 रुपीज़ जीत चुके हैं भाई DGT क्लैन को मार के, यहाँ 100 रुपीज़ जीत चुकी है शदाब ओपी की टीम ने। और यहाँ पर इमरान को मारा है, इमरान है ओके, इमरान की क्लैन अभी तक अलाइव है, तो इमरान का जो 200 रुपये अभी भी बाकी है। ओके, यहाँ पर बीस्ट आसिफ ने मैड नाडर को नॉक कर दिया है। मैट प्राक्स और इमरान ने लफंडर के क्लैन को पूरा खत्म कर दिया है यहाँ पर। मैट केतन ने एफएस को खत्म कर दिया। ओके, यहाँ पर रॉयल बिलाल, यहाँ पर FS नेम ने मैट ब्लॉक को खत्म कर दिया, द प्रोटेक्टर ने अली को नॉक कर दिया, मैट केतन ने वर्षा को खत्म कर दिया, मैट प्राक्स ने FS फ्लेम को खत्म कर दिया भाई टॉमी गन, मास्टर खलीश ने जो अकेले बंदे थे रिस्क जो उसने खत्म कर दिया है। और मास्टर खलीश का जो आज तक अभी तक तो ऐसा लग रहा है हाँ यस टॉप फ्रैगर है आज के। और बिलाल रहमान जो लॉयल अनिकत को नॉक कर दिया और DX बैटमैन जो किंग ऑफ रातुर को नॉक कर दिया है। लूसीफर ने लॉयल अनिकेत को नॉक कर दिया है। यहाँ पे क्या ही ग्लिच हो रहा है आज। ओके, यहाँ पे लूसीफर ने प्रतीक को नॉक कर दिया है, एमो को भी नॉक, एमो ने इसको नॉक कर दिया प्रोटेक्टर को।
और इमरान ने BTS को नॉक कर दिया है, इमरान ने कैप्टन दक्ष को नॉक कर दिया। यहाँ पर ग्राउंड पे चले जाते हैं और ओके इमरान के ऊपर फोकस करते हैं। बिलाल रहमान की टीम जो नाइट्रो विकी ने मैड ब्लक्स को नॉक कर दिया है और विशु ने इमरान को नॉक कर दिया है और इमरान ने BTS को पूरा ख़त्म कर दिया है। और जीन कजामा जो अकेले जो 24th के दो बंदे अलाइव है उसने नॉक कर दिया है, फिर जोन के बाहर है उन्होंने। ओके प्ले जोन से नॉक हो गए हैं इमरान और शायद जिन कजामा भी नॉक होके ख़त्म हो जाएंगे प्ले जोन से। और इमरान के टीम का जो 200 रुपये है वो तो चकना चूर हो चुका है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जोन से मर गए यहाँ पर। ओके लूसीफर ने मैड अंकुश को नॉक कर दिया है और प्ले जोन से मैड अंकुश नॉक हो गए। यहाँ पर मैड प्राक्स जो टीम नंबर जो ओके लूसीफर ने एक और को नॉक कर दिया बीस्ट आसिफ को। मैड केतन और मैड प्रैक्स और यहाँ पर नाइट्रो के जो टीम नंबर 5 के ओके टीम नंबर 5 शायद रश इन कर देंगे टीम नंबर 13 के ऊपर। जो टीम दो ही टीम अलाइव है और कि यार आज शदाब ओपी की टीम में 18 किल्स निकाला है अब तक, 18 किल्स निकाला है यहाँ पर। ओके मैड ओके नाइट्रो विकी ने मैड प्राप्त को नॉक कर दिया है। ओके मैड कैतन खत्म कर दिया और आज की टीम के विनर है जो शदाब ओपी की टीम है। बट आज शदाब ओपी खेले नहीं और उनके रिप्लेस में मास्टर खलीश आए थे और आज के टॉप फ्रैगर भी उनका ही नाम आएगा मास्टर खलीश का। ओके मास्टर खलीज आज का टॉप फ्रैगर है और बट उनकी टीम ने भी बखूबी निभाया। यहाँ पर नाइट्रो विकी ने 4 किल्स, बिलाल रहमान ने 5 किल्स, लूसीफर ने 5 किल्स, मास्टर खलीज ने 6 किल्स। और सेकंड में आया जो मैड की टीम मैड अंकुश 1 किल, मैड केतन 2 किल, मैड प्राक्स 1 किल। और थर्ड में आया जो प्रोटेक्टर की टीम जो 2 किल निकाले हैं और बीस्ट आशिफ ने भी 2 किल निकाला है। और DGT क्लैन आज बहुत ही मतलब अच्छा खेले बट लास्ट में बहुत सारी गलतियां हो गई। यहाँ पर 12वें नंबर पे आए और DGT क्लैन को जो मारा है वो जो शदाब ओपी की टीम जो नाइट्रो विकी बिलाल रहमान ने उन्होंने मारा है आज। सो उनको आज 100 रुपीज़ का पेटीएम मिलेगा। और इमरान की टीम को जो नहीं मार पाए क्योंकि जोन के बाहर ही उन्होंने नॉक होके ख़त्म हो गए यहाँ पर। ओके यहाँ पर प्लीज़ बता दो यहाँ पर स्ट्रीम अभी भी स्टिल ऑन है। ओके आज के टॉप फ्रैगर है मास्टर खलीश जो शराब ओपी के टीम में थे और शराब ओपी के रिप्लेस में आए और आज बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाए इसमें। और उनका टोटल किल्स है 16 और यहाँ पे 20 के टोटल किल्स है आज के, सबसे ज्यादा किल्स कस्टम्स के आज के। ओके तो विदा लेता हूँ मैं नेक्स्ट FFF मैक के तरफ से। FFF हो गया यहाँ पर। ओके नो प्रॉब्लम मैक बॉट यहाँ पर DGT क्लैन के जो मैक बॉट है यहाँ पर चैट में आ चुके हैं। एफ हो गया यहाँ पर उनके साथ, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम मैक बॉट। और आज आज शायद गलती कर दी है उन्होंने मैक बॉट लोग ने ऊपर DGT क्लैन जो DGT क्लैन ने गलती कर दिया है शायद। उन्होंने ड्रॉप लोकेशन आज चेंज करके शायद गलती कर दी है। जो पोलियाना में जोन बना था शायद, यस पोलियाना में और एक ही टीम आई थी के। मिलता हूँ मैं शाम के 7:30 के कस्टम पर, 7:30 या 10 बजे, ओके 10 बजे के कस्टम पे आज। तो तब तक के लिए बाय सायनारा।